नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आप लोगों का अपना अभिषेक सरोहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइस, जल्दी से आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे आज की क्लास में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गाइस हरी आप, जल्दी से आप लोग मेरे साथ जुड़े। गाइस हरी आप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे। जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अभिषेक सरोहा है और मैं आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी, सॉरी कंप्लीट फिजिक्स करवाने वाला हूं। बायोलॉजी में आपकी कंप्लीट कर चुका हूं और अब मैं फिजिक्स लेकर चल रहा हूं गाइस आप लोगों की, तो आप लोग मेरे साथ चलिएगा। बहुत अच्छे गाइस, गाइस मेरा बायोलॉजी का प्लस कोर्स आप लोग ले सकते हैं, उसके बारे में सुनिएगा। गाइस आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कोर्स ले सकते हैं मेरा, या किसी भी एडुकेटर का प्लस कोर्स देख सकते हैं। प्लस कोर्स के लिए आपको क्या चाहिएगा गाइस, याद रखिएगा, प्लस सब्सक्रिप्शन। क्या चाहिए? प्लस सब्सक्रिप्शन। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या चाहिए गाइस, याद रखिएगा, मेरा कोड। माय कोड इज सरोहा 10। मेरा कोड क्या है गाइस, याद रखिएगा, सरोहा 10। ये प्लस सब्सक्रिप्शन में हेल्प करेगा आपको क्या करने में गाइस, मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करने में। मैक्सिमम डिस्काउंट देने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा, मेरा ये कोड करेगा, सरोहा 10। गाइस गाइस सरोहा 10, जल्दी से आप लोग जुड़िएगा मेरे कोर्स के अंदर, जल्दी से जुड़ेंगे आप लोग गाइस, जल्दी से जुड़ेंगे। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे गाइस। अब बात आती है कि प्लस सब्सक्रिप्शन हम बार बार क्यों बोलते हैं आप लोगों को, वो इसलिए बोलते हैं कि जो आपकी प्लस की क्लासेस होती हैं, यहाँ पर हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी आप लोगों को, हर एग्जाम के लिए आप लोगों को क्रैश कोर्स अवेलेबल मिलेगा। जितने भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे टेस्ट आप लोगों के लाइव मोड में कंडक्ट होते हैं। जितने भी डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं गाइज, याद रखिएगा, वो सारे के सारे लाइव मोड में होते हैं। जितने भी हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं ड्यूअल मीडियम में गाइस, हिंदी इंग्लिश में, वो सारे मिलेंगे आपको। और रैंक इंप्रूवमेंट बूस्टर बैचेस आप लोगों की यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिससे आप लोग अपनी रैंक में भी सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ गाइस, जल्दी से आप लोग बेनिफिट उठाइएगा, जल्दी से आप लोग इन सभी फीचर्स का बेनिफिट उठाइए। और ये बेनिफिट कैसे ले सकते हैं आप, प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ इनका बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लोगे, आइए मैं आपको बताऊं गाइस। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाना होगा गाइस। मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या लिखना है, अनअकैडमी प्लस। क्या लिखना है गाइस, अनअकैडमी प्लस। फिर क्या करना आप लोगों ने, इसे डाउनलोड करना है। फिर क्या करना है, इसे आपको ओपन करना है गाइस। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा यहाँ पर गाइस, आप अपना एग्जाम सिलेक्ट करेंगे। आप लोगों का एग्जाम क्या है, एसएससी एग्जाम। इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर आप लोग क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर। फिर आप लोग कहां पर क्लिक करेंगे गाइस, याद रखिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन फी की लिस्ट ओपन हो जाएगी गाइस यहाँ पर। और इसमें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा 1 ईयर या फिर 2 ईयर का प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिएगा गाइस। मतलब किया तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें आप लोग, या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें गाइस। और जब आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन का प्लान सिलेक्ट करेंगे, उसमें मेरा कोड अप्लाई कीजिएगा, माई कोड इज सरोहा 10। और जैसे ही आप लोग मेरा कोड सरोहा 10 अप्लाई करेंगे, तो याद रखिएगा, ये कोड अप्लाई करते ही यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा गाइज, याद रखिएगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा गाइज, याद रखिएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर सरोहा 10 की हेल्प से आप लोग क्या ले सकते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आप लोग मुझे अनअकैडमी प्लस पर फॉलो कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी प्लस पर फॉलो करके आप मेरा प्लस कोर्स भी एनरोल हो सकते हैं, मेरे प्लस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे आप लोग आसानी से। मेरा जो कोर्स चल रहा है वो कोर्स कौन सा है गाइस, कोर्स ऑन बायोलॉजी, कोर्स ऑन बायोलॉजी एंड कोर्स ऑन केमिस्ट्री, ये मेरा कोर्स चल रहा है। तो आप लोग क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं, जल्दी से आप लोग एनरोल हो जाइएगा गाइस प्लस कोर्स के अंदर, जल्दी से
प्लस कोर्स में क्या हो जाइएगा, आप लोग एनरोल हो जाइए प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। ये मेरा प्रोफाइल एड्रेस है गाइस, स्रोहा 8590, ये मेरा प्रोफाइल एड्रेस है, यहां पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिए मुझे। ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है गाइस, ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के अंदर जल्दी से आप लोग जुड़े, यहां पर आप लोगों को हर क्लास का लिंक अवेलेबल मिलेगा गाइस। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हम आपको देते हैं वो यहां पर मिलेंगे। आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको वो यहां पर मिलेगी गाइस, तो आप लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़िएगा गाइस। ओके, और अब शुरुआत करते हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। बाबा ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, जल्दी से आप लोग जुड़िएगा। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी बार बार रिपीट कर रही है इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द यूनिट ऑफ द फोर्स इज, यूनिट की बात की गई है बाबा, यहां जल्दी से बताइएगा किसकी बात की गई है, यूनिट की बात की गई है। आप लोगों के कमेंट रुकने नहीं चाहिए बाबा, और जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे, आप लोग सबसे पहले क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास का सेशन शेयर करेंगे गाइस। हरी अप गाइस, हरी अप, रुकना नहीं है आप लोगों को, रुकना नहीं है, जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा गाइस, जल्दी से लाइक और शेयर करें आप लोग, हरी अप गाइस, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करेंगे रे बाबा, जल्दी से ठोको लाइक और शेयर, जल्दी से ठोको यार, और जल्दी से बताओ आंसर क्या है। लितिकेश, कुमार मंगलम, सुमित हमारे साथ हैं, सी 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 आंसर आ रहा है, सी बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर, बिल्कुल रविंद्र, सॉरी रघुविंद्र हमारे साथ है, नीलम हमारे साथ है, बहुत अच्छे मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही बताया। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो कौन होती है, न्यूटन होती है बाबा, क्या होती है, न्यूटन होती है बाबा, न्यूटन। तो आंसर क्या है आपका, सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। कुमार मंगलम नमस्ते, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को मेरी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब यहां पर देखेंगे रे बाबा आप लोग, अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं यहां पर, यहां देखिएगा मैं फोर्स की सीजीएस यूनिट पूछ रहा हूं, फोर्स की सीजीएस यूनिट बताइएगा रे बाबा, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होगी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होगी रे बाबा, जल्दी से आंसर आना चाहिए, जल्दी से गर्दा उड़ाना चाहिए आंसर के अंदर, जल्दी से गाइस, हरी अप। फोर्स की सीजीएस यूनिट, अरे बाबा हिल गए क्या, अरे बाबा क्या हुआ, हिल गए ना, क्वेश्चन को घुमाया तो घूम गए आप लोग भी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट में बताए, कोई तो बताओ यार, कोई तो बताओ आप लोग, कितने सारे लाइव बैठे हैं, ना ना सेशन को लाइक कर रहे ना कमेंट कर रहे, क्या समस्या आप लोगों की यार। अरे भाई नहीं आता तो कमेंट में लिख दो, सर नहीं आता हमें, भाई मैं बताऊंगा आप लोगों को, जल्दी से बताओ यार मुझे। डाइन आगे, डाइन लतिकेश, लतिकेश बता रहे हैं डाइन, बाकी लोग जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बाबा, इतना टाइम नहीं है, एक क्वेश्चन पर इतना टाइम लगाए आप, इतना टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ, हरी अप गाइस। चलो मैं बताता हूं, तो फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है बाबा वो कौन सी होती है, डाइन होती है, कौन सी होती है, नीलम बहुत अच्छे, डाइन होती है बाबा, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होगी, और एसआई यूनिट कौन सी होगी, न्यूटन होगी बाबा, बहुत बढ़िया। अरे बाबा ये फेराड किसकी है, फेराड जो यूनिट है, ये फेराड जो यूनिट है किसकी है, याद रखिएगा कैपेसिटेंस की है बाबा, किसकी है, कैपेसिटेंस की है। मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, फिजिक्स के मेरे पास 1527 क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिजिक्स के 1527 क्वेश्चन है बाबा, ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, और ये जो 1527 क्वेश्चन है ये एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी में बार बार रिपीट हुए ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन सारे कराऊंगा डेली, रात को 9 बजे कराऊंगा भाई, डेली रात को 9 बजे कराने वाला हूं, तो आप लोग सभी 9 बजे मेरी क्लास में प्रेजेंट रहिएगा बाबा, गर्दा उड़ा देंगे क्लास में, गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे गर्दा, बस आप लोग लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों को जोड़िएगा। ओके गाइस, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है रे बाबा,
वोल्ट किसकी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है बाबा। वोल्ट किसकी यूनिट होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होगी। न्यूटन किसकी होगी? फोर्स की होगी। अरे बाबा ओम मीटर किसकी होगी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की होगी रे बाबा। किसकी होगी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की होगी रे बाबा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की होगी, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ओके गाइस, एक और होता है रेजिस्टेंस, ये ध्यान से सुनना जो मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, जो मैं लिख रहा हूं यहां ध्यान से सुनिए। रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है बाबा? ओम होती है। सिंबल क्या होता है बाबा? ये वाला। और ये क्वेश्चन कई बार ही पूछा जा चुका है भाई साहब। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी, या रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी और इसका सिंबल ये होगा रे बाबा। इसको भूलने का नहीं, दिमाग में इधर छापने का रे बाबा, छापने का। अगले क्वेश्चन पर। आज थोड़ी तबीयत भी ढीली है, अब खांसी ज्यादा हो गई है, ठंड लगी है मुझे। आप लोग कमेंट करते रहो यार, जब तक कमेंट नहीं करोगे ना तब तक मुझे मजा नहीं आएगा, सच बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग एसआई यूनिट ऑफ वर्क? अरे बेटा बता दो मेरे भाइयों, कार्य की एसआई यूनिट क्या होगी? कार्य की, काम की, कार्य की काम की यूनिट क्या होगी? जल्दी से बताइएगा गाइस, जल्दी से बताएंगे वर्क की यूनिट क्या होगी। अरे बाबा रुकने नहीं चाहिए यार आपके कमेंट, रुकने नहीं चाहिए। कैसे रुके हुए हैं आपके कमेंट यार, आग की तरह निकलने चाहिए आपके कमेंट, आग की तरह ज्वालामुखी फटनी चाहिए। अरे बाबा अपने अंदर ज्वालामुखी को फोड़ो, कब फोड़ोगे रे बाबा? अरे अब गाइस जल्दी से बताएं। लतिकेश कह रहे हैं ए, कुमार मंगलम कह रहे हैं ए। अरे बाकी लोग सो रहे हो क्या? अरे सो गए क्या? जोश नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? रघुविंदर बहुत अच्छे, नीलम बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बताया। वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल होगी। वर्क की यूनिट क्या होगी भाई? जूल होगी। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये तो ऐसा यूनिट है। अब मुझे बता दो वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होगी? वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होगी रे बाबा? वर्क की सीजीएस यूनिट का नाम बता दो रे बाबा, जल्दी से, रुकना नहीं। वर्क की सीजीएस यूनिट चाहिए मुझे, वर्क की सीजीएस यूनिट चाहिए, जल्दी से बताएं आप लोग गाइस, हरी अप। वर्क की सीजीएस यूनिट बताएंगे आप लोग मुझे, वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होगी? जल्दी से बताइएगा। अरे बाबा वर्क की सीजी, अरे 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 अबे क्या बोलूं भैया मैं, आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो। अरे यार वर्क की क्या होगी? अर्घ होगी। क्या होगी? अर्घ होगी। क्या होगी? अर्घ होगी। श्रुति गोयल सर अनअकैडमी शो नहीं हो, सर केमिस्ट्री शो नहीं हो रहा है। अरे बाबा, अरे बाबा 10th of Feb से मेरी पहली क्लास है, आप देखिएगा श्रुति जी, और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है? इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से देखिएगा श्रुति जी। ओके बहुत अच्छे, नहीं पता कोई बात नहीं मेरे भाई रघुविंद्र प्रताप सिंह, याद रखना वर्क की सीजीएस यूनिट अर्घ होती है। क्या होती है? अर्घ, याद रखना। न्यूटन किसकी थी? देखो यार जूल किसकी थी? वर्क की। जूल किसकी थी? वर्क की। और ये किसकी होती है? एनर्जी की भी होती है, ध्यान रखिएगा। यही किसकी होती है? एनर्जी की भी होती है बाबा। किसकी होती है? एनर्जी की भी। न्यूटन किसकी? फोर्स की। न्यूटन किसकी? फोर्स की। केजी किसकी? मास की। केजी किसकी? मास की। पास्कल किसका? पास्कल किसका? एटमोस्फेरिक प्रेशर का। 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 आया समझ में? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? धुआं उड़ा देंगे बाबा, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगाने का, क्वेश्चन पर बढ़ते रहने का बाबा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ? लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर बाबा, जल्दी से बता दो ये लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है? जल्दी से कमेंट में आंसर चाहिए मुझे। लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर, जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट में।
लाइट ईयर लाइट ईयर लाइट ईयर लाइट ईयर गाइस। जल्दी से बताएंगे लाइट ईयर लाइट ईयर लाइट ईयर लाइट ईयर। जल्दी से बताएंगे लतिकेश कह रहे हैं डी। अरे 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 बाबा, अरे 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 लतिकेश जी गलत है, लतिकेश आप गलत हैं। अरे बाबा, लाइट ईयर जो यूनिट होती है ना, डेफिनेशन सुन लो, डेफिनेशन सुन लो लाइट ईयर की। डेफिनेशन क्या होती है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर, इन वन ईयर। आया रे बाबा समझ में? अरे बाबा, रघुवेंद्र जी पार्सेक पे कहां चले गए? मैंने क्या लिखा? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन वन ईयर, मतलब कि किसकी यूनिट? डिस्टेंस की यूनिट। किसकी? डिस्टेंस की। लिम्सी बंसल हमारे साथ है, लिम्सी बंसल बहुत अच्छे, लिम्सी बहुत बढ़िया। बाबा अब याद रखिएगा, लाइट ईयर की जो ये यूनिट है, ये प्रॉपर यूनिट कौन सी होती है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूनिट होती है। मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ, कौन सी होती है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है बाबा, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूनिट होती है बाबा, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। अरे बाबा, वन लाइट ईयर, वन लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है? वन लाइट ईयर कितने लीटर के बराबर होता है? तो या सॉरी कितने मीटर के बराबर होता है? तो याद रखिएगा, 9.46, 9.46 इंटू में 10^15 मीटर, इंटू में 10^15 मीटर, ये लाइट ईयर होता है बाबा। एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 इंटू में 10^15 मीटर। आया समझ में? फिजिक्स स्टूडेंट बहुत अच्छे, लिम्सी बंसल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गाइस, लाजवाब, मजा आ गया रे बाबा, छा गए। अरे यार, लाइक तो ठोको यार, लाइक तो ठोको, लाइक भी नहीं ठोक रहे हैं आप लोग, हद होगी आप लोगों की। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ कलर ऑफ रेनबो। भाई साहब, ये क्वेश्चन मेरी हर क्लास में रिपीट होता है, ये क्वेश्चन मेरी हर क्लास में रिपीट होता है, मैं आपको बता दूं क्यों होता है। क्योंकि एसएससी के अंदर ये नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन क्या है, एसएससी में पूछा गया है। तो इसी वजह से मैं भी अपनी क्लास में इसको, हर क्लास में ये क्वेश्चन मिलेगा मेरी, हर क्लास में। तो आंसर बता दो आप जल्दी से, हर क्लास में मेरी भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है। और सेम एज इट इज आपका आरआरबी करती है, सेम एज इट इज आपकी आरआरबी करती है बाबा, सेम खेल क्या खेलती है? आरआरबी आप लोगों के साथ खेलती है। तो जल्दी से बताओ, लतिकेश ने बिल्कुल सही बताया। अब इसका मेरी बात सुन लो यार, रेनबो का करेक्ट ऑर्डर हम कहां से पता कर सकते हैं? ध्यान से सुनना आप लोग, रेनबो का करेक्ट ऑर्डर किससे पता कर सकते हैं? इस वर्ड से। इस वर्ड में क्या है? इस वर्ड का नाम है विबग्योर। इस वर्ड का नाम क्या है? याद रखिएगा, विबग्योर। इस वर्ड का नाम क्या है? विबग्योर। बहुत अच्छे, आशा गोड हमारे साथ है। लाइक ठोको रे बाबा, सारे लोग लाइक ठोकेंगे, भाई के, मम्मी के, चाचा के, ताऊ के, ताई के, सबके फोन से लाइक ठोको रे बाबा क्लास में। बहुत अच्छे। वी का मतलब क्या होगा यहाँ पर? वॉयलेट। ये मेरी हर क्लास में क्वेश्चन रिपीट होता है बाबा। आई का मतलब क्या होगा यहाँ पर? इंडिगो। आई का मतलब इंडिगो, आई का मतलब इंडिगो। बी का मतलब क्या होगा रे बाबा यहाँ पर? ब्लू। बी का मतलब ब्लू, ब्लू है समथिंग समथिंग, ब्लू है समथिंग समथिंग। जी का मतलब ग्रीन। वाई का मतलब येलो, येलो येलो डर्टी फेलो। ओ का मतलब ऑरेंज। आर का मतलब रेड, आर का मतलब रेड रे बाबा। अरे बाबा, नंबरिंग डालो रे, नंबरिंग नंबरिंग। भाई
पहला नंबर, इंडिगो दूसरा नंबर, ब्लू तीसरा नंबर, ग्रीन फोर्थ, येलो फिफ्थ, ऑरेंज सिक्स और रेड सेवन। यही नंबरिंग ऑप्शन में ले आओ रे बाबा। ब्लू कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। ग्रीन कितने नंबर पर है बाबा? 4 नंबर पर। वेलेट 1 पर है। क्या कोई सीक्वेंस बनी? 3 4 1 कोई सीक्वेंस बनी? नहीं बनी रे बाबा। सेम एज इट इज कहां पर देखेंगे? वॉलेट। वॉलेट कितने पर? 1 पर। ग्रीन कितने पर? 4 पर। ब्लू कितने पर है? 3 पर। क्या सीक्वेंस बनी? 1 4 3। अरे बाबा यहां तो आपने प्रपोज ही कर डाला रे। 1 4 3। 1 4 3 का मतलब क्या होता है? प्रपोज करना रे बाबा। अरे बाबा किसको प्रपोज कर डाला रे आपने? ये ऑप्शन तो गलत है फिर। ये तो गलत है, प्रपोज कर डाला तो आपने, है ना? तो बाबा प्रपोज नहीं करना चाहिए किसी को भी। सी ऑप्शन देखेंगे। ब्लू कितने नंबर पर है? 3 पर। येलो कितने नंबर पर है गाइस? येलो 5 पर। ग्रीन कितने पर है? 4 पर। तो 3 5 4 सीक्वेंस बनी? नहीं बनी। ब्लू कितने पर? 3 पर। ग्रीन कितने पर? 4 पर। येलो कितने पर? 5 पर। 3 से 4 और 4 से 5, तो ये आपको एक क्या बन गई? असेंडिंग। क्या बन गई यहां पर? असेंडिंग फॉर्म बनती हुई नजर आई होगी। कैसे? असेंडिंग, बढ़ते क्रम में। तो आपका आंसर क्या होगा यहां पर? डी होगा रे बाबा। आपका आंसर यहां पर क्या होगा? डी होगा। ध्यान रखिएगा आपका राइट ऑप्शन यहां पर क्या होगा? डी होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आ गया रे बाबा। लाजवाब, लाजवाब, मजा आ गया। तो यहां तक तो होगी नहीं आप लोगों को, और अभी तक आप लोगों ने लाइक अभी भी नहीं ठोके यार, हद है। अरे हद है, कुछ तो शर्माओ यार आप लोग। चलो यार, चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं गाइस। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गाइस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गाइस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, फेलिरो हिलोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। फेलिरो हिलोमीटर इज यूज, अरे बाबा इसका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इस मीटर का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बता दो रे, किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? मापने में प्रयोग किया जाता है, किस चीज को मापते हैं इससे? तो सुन लो रे मेरे भाइयों, तो सुन लो, किससे मापते हैं? सुन लो आप लोग। अरे मेरे भाई, इससे हम लोग मापते हैं सोलर रेडिएशंस का टेम्परेचर। इससे क्या मापते हैं? सोलर रेडिएशंस का टेम्परेचर, सोलर रेडिएशंस का तापमान, टेम्परेचर मापते हैं। क्या मापते हैं? टेम्परेचर मापते हैं। लती केस, बहुत बढ़िया। और ये टेम्परेचर कितना पाया जाता है सोलर रेडिएशंस का? मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस किससे ज्यादा? 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। लिम्सी, बहुत अच्छे। लेतिकेस, बहुत अच्छे। आशा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें फंसोगे भाई साहब। जिसने ये आंसर सही दे दिया उसको बाबा क्या मिलेगी? एक चॉकलेट मिलेगी क्लास में। उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी, अभी मिलेगी क्लास में। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। नेम द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड की प्योरिटी को मापने के लिए, गोल्ड की प्योरिटी को, अरे बाबा सोने की शुद्धता मापने के लिए, सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता मापने के लिए, मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है रे बाबा? अरे बाबा गलत हुए, बी पर आ गए रे बाबा। लिम्सी लतिकेस बी बता रहे। अरे 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 कौन सा था? लतिकेस बता रहे। लतिकेस का आंसर आया सी। सी सी आ चुका है लतिकेस का आंसर। लिम्सी बंसल का आंसर ए आया है। अभी देखते हैं, अभी मैं सही आंसर नहीं बताने वाला, अभी मैं सही नहीं बताने वाला। पहले आप लोग बताएंगे, सभी गाइस आप लोग बताएंगे। बहुत अच्छे, लक्स मीटर, इंटेंसिटी मेजर। अरे लिम्सी बंसल जी किसका? अमन सिंह भी आ चुके हैं। अमन बता रहे हैं ए। वेरी गुड, वेरी गुड अमन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे बाबा मुझे प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, उसका नाम बताओ आप लोग, सोने की शुद्धता का। आशा गोड ने बिल्कुल सही बताया, और अमन ने भी बिल्कुल सही बताया, लिम्सी बंसल ने भी सही बताया था आंसर। बहुत अच्छे बाबा, किससे मापा जाता है? याद रखिएगा, कैरेट मीटर से, कार्टोमीटर से। किससे? कार्टोमीटर से। रुग्वेंद्र प्रताप जी आप गलत है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड किससे मापा जाता है? कार्टोमीटर से मापा जाता है। कैल्टोमीटर, कैल्टोमीटर से बाबा, कैल्टोमीटर से क्या करते हो? प्योरिटी ऑफ गोल्ड को मेजर करते हो।
प्योरिटी ऑफ गोल्ड को। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं बाबा। लक्स मीटर से क्या करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रे बाबा। बारोमीटर से क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, जल्दी से बाबा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारेंगे आप लोग रे बाबा, जल्दी से मारेंगे गाइस, बहुत बढ़िया। अरे जल्दी से मुझे 10 लाइक चाहिए गाइस, 10 लाइक क्रॉस करेंगे आप लोग, जल्दी से 10 लाइक, 10 लाइक को क्रॉस करें आप लोग जल्दी से यार। कितना टाइम ले रहे हैं आप लोग गाइस, कितना टाइम ले रहे हो, हद हो गई आप लोगों की, हद हो गई है यार, हद होती है रे बाबा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। कोई समस्या क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे गाइस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अरे बाबा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने वाला, जल्दी से बता दो। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जल्दी से बताएंगे आप लोग गाइस। हरी आप, हरी आप, हरी आप, हरी आप। जल्दी से बताएंगे इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। हरी अप गाइस, हरी अप, जल्दी से बताएं आप लोग, जल्दी से बताएंगे गाइस। ए आंसर आ चुका है, लतिकेश बहुत अच्छे, लिम्सी बहुत अच्छे, लिम्सी बहुत अच्छे, लतिकेश बहुत अच्छे, अमन बहुत अच्छे, लिम्सी बंसल बहुत अच्छे। बाबा ए पर तो आप मुझे भी मजबूर होना पड़ेगा, बिल्कुल सही है बाबा। ए क्या है आप लोगों का? बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफ किससे रिलेटेड होता है? अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है बाबा, किससे रिलेटेड होता है? अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है, याद रखना बहुत अच्छे। स्थिथोस्कोप किससे रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल 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 लिम्सी वे, बिल्कुल बताया, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। स्थिथोस्कोप किससे रिलेटेड होता है? आपके हार्ट बीट से बाबा, और इसी से क्या कर सकते हैं? हार्ट की साउंड को सुन सकते हैं हम लोग, हार्ट की साउंड को क्या कर सकते हैं? हियर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हार्ट की साउंड को सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रुग्वेंद्र प्रताप सिंह, बहुत अच्छे। कॉस्मोग्राफ आपके स्टार्स की स्टडी होती है, इसमें स्टार्स की स्टडी से रिलेटेड होता है, स्टार्स की स्टडी से रिलेटेड होता है। पेरिस्कोप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, दूर की वस्तुओं से। दूर की वस्तुओं से रिलेटेड होता है बाबा। आया समझ में? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां तक कोई समस्या? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी गाइस, बिल्कुल यूनिवर्स बिल्कुल सही का, बिल्कुल। अरे बाबा स्टार्स कहाँ मिलते हैं रे बाबा, स्टार्स कहाँ मिलते हैं, ये भी तो यूनिवर्स में होते हैं रे बाबा, अंडरस्टूड होती है कुछ चीजें, आप समझा करो रे बाबा, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, जल्दी से अगला क्वेश्चन। हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? फंसोगे, फंसोगे, आप सभी फंसोगे, मुझे पता है गाइस, आप लोग सभी फंसेंगे इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताइएगा। हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी गाइस? हरी अब, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? आला रे आला, आला रे आला, ये क्या कर डाला रे बाबा। आला रे आला बाबा, अरे लिम्सी बंसल कहां से नकल मार के आंसर बताया, कहां से गूगल किया लिम्सी बंसल, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे लिम्सी, बहुत अच्छे, आपका बिल्कुल सही है। लतीकेश बिल्कुल सही है, अमन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसने दिया था थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? इससे न्यूटन ने दिया था, किसने दिया था? इससे न्यूटन ने दिया था, और इन्होंने फार्मूला दिया था, क्या दिया था? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ टू बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर।
ये फार्मूला भी यहां से मिला था गाइस, डायरेक्टली ये वाला फार्मूला। ये फार्मूले की डेरिवेशन थ्योरी की क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये डेरिवेशन आपको थ्योरी की क्लास में बताऊंगा गाइस, थ्योरी की क्लास में आप लोगों को थ्योरी की क्लास में बताऊंगा इसकी डेरिवेशन, याद रखिएगा। ओके लिम्सी बंसल जी, आपको आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत अच्छी, दिल खुश कर दिया लिम्सी बंसल आपने, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। इसा न्यूटन बिल्कुल सही दिया, हु गिव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, सर इसा न्यूटन, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर इन, अरे बाबा ये पेंडुलम क्लॉक है, ये तेज भागती है, अरे बाबा तेज भागती है, कब भागती है, तेज भागती है कब भागती है, ये समर में, विंटर में, ऑटम सीजन में, रेनी सीजन में, किस सीजन में तेज भागती है, अरे बाबा जल्दी से बताने का, अरे बाबा रुकने का नहीं, जल्दी से बताने का बाबा, जल्दी से बताने का, अरे बाबा इधर जल्दी से बताने का, पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर, जल्दी से बताएंगे आप लोग गाइस, अरे 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 अरे, अरे लिम्सी बंसल अब की बार तो फंस गए, गलत हैं लिम्सी बंसल आप, लिम्सी बंसल आप गलत हैं, बाकी लोग बताएंगे गाइस, अरे जल्दी से बताइएगा लिम्सी, आप गलत हैं लिम्सी बंसल, आप गलत हैं, लतिकेश आप भी गलत हैं, लतिकेश गलत है, अमन भी गलत है, लिम्सी बंसल आप ऑप्शन हटाने से क्या फायदा, अब ऑप्शन डिलीट करने से क्या फायदा, गलत तो गलत है, गलत तो आप गलत है। विंटर्स में डे छोटे होते हैं, बिल्कुल विंटर्स में गाइस, किसमें, विंटर्स में, पेंडुलम क्लॉक किसमें तेज भागती है, विंटर्स में, क्योंकि पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट क्यों हो जाती है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन की वजह से छोटी हो जाती है और ये तेज भागती है, बिल्कुल 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 लिपसी, अब सही बताया रुक्मेंद्र, आप भी गलत थे और अभी तक आप लोगों ने मुझे 15 लाइक नहीं दिए, बाबा ये तो गलत बात है आप लोगों की, बहुत गलत बात है, सोचकर आंसर दिया, वेरी गुड लिम्सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गाइस। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है गाइस, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, द अपेरेटस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, द एपरेटस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, जल्दी से बताएंगे गाइस, जल्दी से बताएंगे, उस एपरेटस का नाम बताओ जो लाइट की इंटेंसिटी बताता है, जल्दी से बता दो रे बाबा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से बताएंगे, द एपरेटस यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जल्दी से आंसर करेंगे कमेंट, सी 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 लिम्सी बंसल, बहुत अच्छे, वेरी गुड लिम्सी बंसल, बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी बताएंगे गाइस, हरी अप अमन, बहुत अच्छे लतिकेश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी बताएंगे, जल्दी से स्पीड बढ़ाएंगे गाइस, अरे बाबा ढीले बैठे हो रे बाबा, लतिकेश बहुत अच्छे, अमन बहुत अच्छे, यहां देखिए बाबा क्रोनोमीटर किससे रिलेटेड होता है, टाइम से रिलेटेड होता है, टाइम वॉच से रिलेटेड होता है, टाइम वॉच से, आपने क्रोनो वॉच सुना होगा ना, ना आप वॉच लेने जाते हो तो आपको दुकान वाला भैया क्या दिखाता है, आपको क्रोनो वॉच दिखाता है, जो क्रोनो वॉच होती है वो शार्प टाइम को मेजर करती है, शार्प टाइम को क्या करती है, मेजर करती है, शार्प टाइम को मेजर करती है, अमीनोमीटर ये स्पीड और वेलोसिटी को मेजर करता है, अमीनोमीटर स्पीड और वेलोसिटी को मेजर करता है, किसकी रे बाबा, विंड की, किसकी, विंड की रे बाबा, किसकी, विंड की, सर क्लास का टाइम क्या है, अमन क्लास का टाइम रात को 9 बजे बाबा, रात को 9 बजे माता का जागरण शुरू होता है, आप सभी को आना रे बाबा, लक्स मीटर क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताता है रे बाबा, लक्स मीटर क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एल्टीमीटर हाइट के बारे में बताता है बाबा, या बोल सकते हैं डेप्थ, मतलब कि ये मेजर करता है हाइट और डेप्थ को, कौन,
आपका एल्टीमीटर बाबा, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो राइट ऑप्शन क्या था इसका? सी। राइट ऑप्शन क्या था गाइस इसका? सी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया आप लोगों के साथ, मजा आ गया। अभी आपके क्वेश्चन और हैं, देखो आके अभी बाकी क्वेश्चंस थे, बट ये क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास में कल करेंगे गाइस। तो अब समय हो गया आप लोगों से अलविदा लेने का। आप लोग डेली मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा गाइस, रात को 9 बजे डेली आप लोग मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, रात को 9 बजे शार्प, 9 PM मेरी क्लास होती है, शार्प 9 PM इवनिंग में, जिसमें मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ, PYQ। PYQ का मतलब क्या होता है सुन लो रे भाइयों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है ये आप लोगों के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ, एग्जैक्ट रात को 9 बजे। और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है अन अकेडमी जीएस टर्मिनल, जिसका नाम है गाइस अन अकेडमी जीएस टर्मिनल। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे, साथ में आप लोग बेल आइकन को प्रेस करेंगे गाइस। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी, आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी, आपको हर क्लास की अपकमिंग क्लासेस की क्या मिलती रहेगी गाइस, यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आईएस बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आफ्टरनून में 12 बजे होती है, आफ्टरनून की क्लास 12 बजे होती है बाबा, और इवनिंग की क्लास 9 बजे होती है रात को। ये थ्योरी की क्लास है आपकी, ये थ्योरी की क्लास है, ये PYQ की क्लास है आप लोगों की। ओके गाइस, तो अब समय हो गया आप लोगों से अलविदा लेने का। इसी जोश और एनर्जी के साथ मुलाकात करता हूं मैं आपसे कल, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा गाइस। इसी जोश और एनर्जी के साथ कल मुलाकात करते हैं, बिल्कुल करते हैं गाइस। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे बेटा, ध्यान रखना, जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे गाइस, बिल्कुल जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे आप लोग। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, ध्यान रखें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे बाबा। चलो ठीक है गाइस, अब समय हो गया अलविदा लेने का। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।